अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लाहौर कलंदर के हवाले से कि लाहौर कलंदर का जो स्क्वाड है वो कौन सा है और उसके अंदर कौन कौन से प्लेयर हैं। तो चलते हैं जल्दी से वीडियो की जाने। तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, लाहौर कलंदर जो कि पिछले जो PSL 7 की फातह टीम है, बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने कम बैक किया था, क्योंकि पिछले जितने भी सीज़न गुजरे हैं PSL के, उनकी कारकर्दगी कुछ अच्छी नहीं थी। बट इस सीज़न में उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी PSL 7 में, जिसकी वजह से वो जो है चैम्पियन भी बनी। तो इस दफ़ा देखना होगा कि वो अपने इस दिफा को जो दिफा कर सकते हैं अपने उस टाइटल को या नहीं। तो फिलहाल हम उनके जो है स्क्वाड, उस पर बात करेंगे। कैप्टन वही है, सबका कैप्टन शहीन शाह अफरीदी, पाकिस्तान के एक नंबर बॉलर। उसके साथ अब्दुल्ला शफीक हैं, अहमद दानियाल हैं, हैरी ब्रॉक्स हैं ज़बरदस्त, जॉर्डन कॉक्स, लैम डॉसन, दिलबर हुसैन हैं, फ़खर जमान हैं, हारस रऊफ हैं। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर कम्बिनेशन आपको नज़र आ रहा है कि बन सकता है लाहौर कलंदर के लिए। हुसैन तलत बहुत ज़बरदस्त, जो कभी इस्लामाबाद के लिए खेलते थे। आगे है जल्लाद खान, आगे है जी कामरान गुलाम, मिर्ज़ा बैग, राशिद खान सॉरी अफगानिस्तान से इनका ताल्लुक है, शाविज़ इरफान। आगे है जी सिकंदर रजा, इनका साउथ अफ्रीका से ताल्लुक है सॉरी जिम्बाब्वे से, और डेविड वैसी, ये भी जो हैं गैर मुल्की खिलाड़ी हैं, जमान खान। तो बहुत ही ज़बरदस्त इनके पास जो है स्क्वाड है PSL 8 के लिए। तो होप कि ये वीडियो भी आप लोगों ने एंजॉय की होगी और पूरा आपने देख लिया होगा कि कौन सा प्लेयर कहाँ कहाँ पर है, और एक अच्छा कॉम्बिनेशन ये बना सकते हैं जो कि इनके पास ऑलरेडी था भी। तो यहाँ पे हैरी ब्रॉक्स और जॉर्डन कॉक्स और लैम डॉसन जो हैं इनके लिए एक